रिपोर्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार में लॉकडाउन चल रहा है, 5 मई से लॉकडाउन शुरू हुआ है और 15 मई तक चलने की बात है, लेकिन लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाए जाने की संभावना जो है वो बढ़ गई है। बिहार सरकार के अधिकारियों, मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से इसके संकेत मिल रहे हैं, हालांकि इस बारे में अभी कोई भी फैसला, कोई डिसीजन नहीं हुआ है। बिहार में कोरोना के बेकाबू रफ्तार को थामने में लॉकडाउन काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है। लॉकडाउन के बाद नए संक्रमितों की जो संख्या है वो घटी है, संक्रमण दर घटने के साथ ही रिकवरी दर भी बढ़ी है और कई हफ्तों के बाद बुधवार की बात करें, कल की बात करें तो नए संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 10,000 से नीचे आया है। रिकवरी रेट तो करीब 10% तक सुधर चुका है, काफी ज्यादा सुधार हुआ है और बिजनेसमैन, डॉक्टर्स का एक बड़ा तबका भी जो है वो लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने के पक्ष में है, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग नहीं चाहते, लेकिन वो भी पक्ष में है। लॉकडाउन की मियाद पूरी होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जारी संदेश को इसी कड़ी में जोड़ करके देखा जा रहा है। बिहार सरकार ने लॉकडाउन के प्रभाव और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत को लेकर के सभी जिलों से फीडबैक मांगा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज सभी जिलों से इस बारे में सरकार को सूचना मिल जाएगी और इसके बाद 14 या 15 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने का फैसला लिया जा सकता है। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ेगा या 1 हफ्ते के लिए, इस पर अभी चर्चा चल रही है। वैसे ज्यादा उम्मीद फिलहाल इसे 1 हफ्ते के लिए ही बढ़ाए जाने की है। नीतीश सरकार के प्रमुख सहयोगी दल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहले ही लॉकडाउन लगाए जाने की मांग कर चुके थे और इसलिए सरकार को इस फैसले में भाजपा से पूरा सहयोग मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां भी इस फैसले का विरोध करने के मूड में नहीं दिखती है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि लॉकडाउन से स्थिति सुधर रही है और इस परिस्थिति से निकलने के लिए सभी के साथ और हौसले की जरूरत है। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की मांग खुले तौर पर कर चुके हैं और निश्चित रूप से आम जनता भी जो है, मैं और आप भी जो है, अगर इससे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं तो हम भी जरूर सरकार को कोऑपरेट करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, नामिका को दीजिए इजाजत, नमस्कार।